हेलो दोस्तों, आरके एसएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन की बात करें तो मार्केट में काफ़ी गिरावट, आज के दिन भी नॉर्मल गिरावट देखने मिली। तो मैंने आज 2 दिन पहले ही मैंने आपको बोला था मार्केट क्रैश और भी हो सकता है और गिर भी सकता है। तो 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि अभी ज़्यादा बाय नहीं करें, IT सेक्टर में ही रैली देखने मिलेगी। तो कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, ठीक है? तो आज के दिन मार्केट सेंसेक्स 200 पॉइंट के ऊपर लगभग 55,555 हुआ। तो मतलब चौवल चौवल छप्पन पाई के साथ बंद हुआ, तो काफ़ी अच्छा था। और तो ये मार्केट काफ़ी नॉर्मल था आज के दिन। निफ्टी 50 देखिए 16,490 पे स्टेबल हुआ, लगभग 45 के पॉइंट के ऊपर के साथ बंद हुआ है। तो बैंक भी वही 90 पॉइंट के ऊपर 35,124 रुपये पे स्टेबल हुआ है। तो वहीं मिड कैप में गिरावट काफ़ी भारी में माल बेचे गए हैं, वो है गिरावट देखने 230 पॉइंट की गिरावट देखने मिली और 26,890 पे स्टेबल हुआ। तो आज के दिन यही था निफ्टी इंडेक्स और बैंक के इंडेक्स। तो अब आते हैं हम टॉप गेनर की बारी। तो टॉप गेनर में आते हैं सबसे पहला HCL टैक्स। देखिए HCL टैक्स में मैंने आपको पहले से वीडियो बनाया था, जब 1100 पे था तब से मैंने वीडियो बनाया था, रिकमेंड किया था। अब ये शेयर तोड़ सकता है 175 के बाद, वो 1175 के बाद, 1175 के बाद ये अपना नया लेवल जरूर दिखाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी बाइंग हो रहा है और आज के दिन भी IT के सेक्टर में बहुत तेज़ी देखने मिली। तो मैंने पिछले 4 दिन से मैं यही बोल रहा हूँ, जब से गिर रहा है मार्केट तब से मैं यही बोल रहा हूँ, IT सेक्टर अभी बहुत तेज़ भाग रहा है। तो वो IT सेक्टर बिंदास लीजिए, अभी तक तो आप प्रॉफिट लेके निकल भी जाते। कल के दिन शायद से अभी मार्केट हरे निशान पर होगा, क्योंकि कंटिन्यूस 6 दिन गिरावट के बाद अब एक बार फिर से हरे निशान पर जाने की कोशिश कर सकता है। तो वही नेस्ले 20,000 पर पहुँच गया, जो आज के दिन 500 पॉइंट देखने मिला। और वही TCS को मैंने आपको रेकमेंड किया था 3,000 पे, तो आज देखिए 3,677 पे। रिजल्ट के बाद ही मैंने आपको बोला था इसे बाई कीजिए बिंदास। तो जिन लोगों ने बाई किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया उसे मैं कुछ बोलेगा नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने अपना सबर रिक्स उनका उनके फेवर में, रिक्स लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, रिक्स नहीं लोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपके हाथ में। तो बजाज फाइनेंस तो वो भी एक बेटर स्टॉक है, आज के दिन 15,000 और लगभग 2,090 पॉइंट की बढ़त देखने मिली। तो केडला एयर आपको पता ही है, 540 12 पॉइंट की बढ़त। वैक्सीन से चिल्ड्रंस केडला एयर जो वैक्सीन से रिलेटेड अभी बच्चों पे भी ट्राई करने वाली, तो फोकस रखना, फिर से 600 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ICICI पेंडेंट्स ये 15 पॉइंट की देखने मिली, और निकल्स बजाज फाइनेंस, तो बालकृष्णा इंडस्ट्री टायर की कंपनी है और एक बहुत बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि आज बोला तो कल आप तुरंत बाय मत कीजिए, उस स्टॉक पर आप फोकस रखिए और फोकस रखने के बाद आप इसे बिंदास बाय कीजिए। तो आज के दिन बालकृष्ण इंडस्ट्री 2280 पे स्टेबल हुआ है और 40 पॉइंट की बढ़त देखने मिली है। वहीं हैवेल्स इंडिया 22 पॉइंट के स्टेबल 22 पॉइंट के बढ़त देखने मिली, 1260 पे स्टेबल हुआ है। InfoEdge उसमें भी आज काफ़ी अच्छी बायर देखने मिली, 5,800। आज बड़े बड़े स्टॉक में रैली देखने मिली और कुछ IT सेक्टर में, ठीक है? तो देखिए L&T टेक्नोलॉजी 3,921 पे स्टेबल हुआ, लगभग 50 पॉइंट की स्टेबल। भारतीय एयरटेल लगभग 8 पॉइंट की स्टेबल। तो भारतीय एयरटेल में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी भी बहुत सारे रिक्स हैं, अब बहुत सारे लोग ने 650-750 पे लेके रखे हैं, मतलब काफ़ी हाई है। उन पर आने उस लेवल पर आने के लिए एयरटेल को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो भारतीय एयरटेल भी मैं 500 पे रहेगा तो मैं रिकमेंड करूँगा बाई करने के लिए, अभी तो बहुत सारा रिक्स है। तो विप्रो अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोल रहा हूँ कि विप्रो आगे जाके और 700-800 का लेवल देखने मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड किया था 500 पे, तो आज देखिए विप्रो 680 पे आ गया, तो कमाल का रिटर्न दिया है विप्रो ने भी। तो अपने आप में पहले बहुत स्लो चलता था विप्रो, तो आज देखिए विप्रो में काफ़ी अच्छा बाइंग देखने मिली। तो वहीं टेक महिंद्रा में मैंने बोला था 1,000 पे था, तभी मैंने आपको रेकमेंड किया था, इधर रिजल्ट के वक्त मैंने आपको बोला था कि टेक महिंद्रा एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो उसमें भी आज देखिए 1416 के स्टेबल हुआ है, लगभग 16 पॉइंट के। देखिए आज के दिन तो अच्छा था मार्केट, थोड़े बहुत बाइंग देखने मिली है, ठीक है? अब आते हैं टॉप लूजर की। तो टॉप लूजर है बायकॉन 3333, 24 पॉइंट की गिरावट। जुबिलियन फूड 3,790 के स्टेबल हुए और गिरावट देखने मिली 170 पॉइंट की। फिर बंधन बैंक में भी काफ़ी गिरावट देखने मिली, जिंदाल स्टील में भी गिरावट देखने मिली, ISCTC में भी गिरावट देखने मिली, लगभग 2500 स्टेबल पे गिरावट देखने मिली। वहीं सेल पे भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने मिली। तो ये थे आज के टॉप लूज़र। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ख़राब है, पर एक एक वक्त आता है कि उस पर गिरना तय होता है,
क्योंकि हमेशा ऊपर चलेगा स्टॉक तो नीचे कब आएगा, तो बाकी लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना बाय करने का। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है मेरे तरफ से। सेल ऑफिस से 150 का लेवल देखने मिलेगा, और ILCTC स्पेड की न्यूज़ से काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है, तो स्पेड भी होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, जुबलियर फूड आपको बताइए, लॉकडाउन खुलने के बाद तो और तेज़ी से, अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा मंगाएंगे, तो आने वाले समय पे 4,000 का लेवल देखने मिलेगा। तो त्यौहार के सीज़न में ज़्यादातर ऑनलाइन डिलीवरीज होती रहती है। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।